लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अगर बात मुख्य विपक्षी दल की करें तो कांग्रेस में अभी मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में हरियाणा की जो कांग्रेस कमेटी थी, इसकी बैठक होती है, काफ़ी देर तक मंथन होता है और स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो नामों का एक पैनल भेज दिया जाता है स्क्रीनिंग कमेटी के पास। और अब जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो इस पूरे पैनल पर नज़र डालेगी और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। यानी कुल मिलाकर अगर हम उम्मीदवार घोषित करने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है, लेकिन इन उम्मीदवारों के समक्ष कौन से उम्मीदवार खड़े करने हैं, इस पर सोच विचार करके कांग्रेस अब उम्मीदवारों का चयन करेगी। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि जो उनके उम्मीदवार होंगे उनमें कई बड़े नाम होंगे जो आपको चौंका सकते हैं। लोकसभा चुनाव का रण छिड़ा है, हरियाणा में भी महासंग्राम जारी है। सियासी शतरंज पर शहमात की गोटियां फिट की जा रही हैं। बीजेपी ने हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर अपने योद्धा उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी भी असमंजस बरकरार है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की ये आखिरी बैठक थी। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और फिर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, एक सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई और बाय एंड लार्ज सभी सीटों के पर एक अप्रोच में यूनिनिमिटी बनी रही। मैं समझ रहा हूँ कि पहली जो इसके पास सीईसी की मीटिंग होगी, इसमें ज़्यादातर बड़ी सीटें क्लियर हो जाए, तारीखों कहा जाता है, हो सकता है परसों भी हो जाए। तो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि 5 तारीख तक आपके पास नाम। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों का पैनल तैयार किया गया जिसे केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि जब नामों का ऐलान होगा तो कई बड़े चेहरे दिखाई देंगे। कांग्रेस ने क्रेडिबिलिटी और विनेबिलिटी को उम्मीदवारों के चयन का फॉर्मूला बताया। विनेबिलिटी है, फिर हमने सर्वे कराए हैं और विनेबिलिटी और लॉयल्टी और सर्वे, यही आधार है। कांग्रेस के सभी मजबूत आदमी होंगे, सारे वरिष्ठ नेता होंगे और जिता हुए होंगे। ये जरूरी नहीं है कि 9 के 9 का एक साथ ही फैसला हो, पर उम्मीद करते हैं कि भाई कम से कम आधा दर्जन तो हो ही जाएंगे। बहरहाल ये देखना होगा कि हरियाणा में कांग्रेस किन चेहरों को मौका देती है और किसे मायूसी हाथ लगती है। काबिले गौर है कि हरियाणा में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कुरुक्षेत्र की सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर एक पैनल तैयार कर लिया गया है। इसको कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा जाएगा और उसके बाद 5 अप्रैल को होने वाली बैठक में हरियाणा के कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।